राशन कार्ड मिला है, सुनिए नहीं जरा, इसको नया राशन कार्ड मिला तो कुछ नहीं मिल रहा। हम रामपुर पंचायत वार्ड नंबर 13 में है, ये दल महादलित टोला है। यहाँ देखिए क्या क्या समस्या है जनता के साथ में, काफी गरीब लोग हैं यहाँ। इनसे पूछते हैं, कार्डधारी से इनको कार्ड है लेकिन इनको राशन नहीं मिलता। बाकी पूछते हैं, क्या नाम हो आपका? बंगाली ऋषि देश है। आपका घर? रामपुर गोरकट्टी। कई नंबर वार्ड में? 13 नंबर वार्ड। 13 नंबर वार्ड में ये कार्ड आपको कितना दिन पहले मिला है? 4 महीना पहले मिला है सर, अभी तक 1 किलो अनाज नहीं मिला है। 1 किलो अनाज नहीं मिला। डीलर कौन है आपका? डीलर शरण ऋषि देव। शरण ऋषि देव, माल लाने जाते क्या कहता आपको? कहता नहीं, इस महीना में नहीं मिलेगा, वो महीना मिलेगा, ऐसे करते रहता है। क्या नाम है आपको? महंगलाल ऋषि देव। महंगलाल ऋषि देव, महंगलाल ऋषि देव जी, आपको ये कार्ड कितना दिन पहले मिला? 4 महीना पहले मिला सर। तो मतलब क्या, माल लेने के लिए जाते हैं तो नहीं देता है सर, कहता नया कार्ड के नहीं मिला, ये भी 1 किलो भी राशन नहीं मिला। गरीब आदमी है, क्या खाएंगे सर? गाड़ी सकरा सब बंद है, काम रोजगार काम करने भी जाते हैं तो पुलिस मारता है सर, कैसे खाएंगे? बाकी देखते हैं, यहाँ के लोग काफी परेशान हैं। कुछ घर में ऐसा है कि कुछ चूल्हा भी नहीं जला। बाकी यहाँ देखते हैं, काफ़ी लेडीज़ लोग हैं, इन लोगों काफ़ी गरीब तबके के लोग हैं, महादलित है, इनका भी तो कोई ये चीज़ नहीं हो। सरकार और कानून से ये अपील है हमारी कि जल्द से जल्द इन लोगों को राशन दिया जाए, ये लोग काफ़ी गरीब है। देखिए इन लोगों को कितना गरीब है। चाची क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैया देवी है। सैया देवी, क्या परेशानी है आपके साथ? परेशानी तो यही है, हर हर गाँव में हर सामान मिलता है, हम लास्ट 13 नंबर वार्ड में हर चीज़ का लिया, यहाँ तरफ रहा है बच्चा बच्चा सीएन का लेकर तरफ रहा है। कोई दिन से मुख्य हम लोग को काम ही रोजगार नहीं लगा, तो हम लोग काम कहाँ करेंगे? सरकार तो लगा दिया है वहाँ अथी, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? बाल बच्चा जिसको घर में, हमको घर में 8 गो बच्चा है, वो कहाँ हमसे कौन चीज़ कैसे मेंटेन करेंगे? हम लोग को दिक्कत नहीं है, हम काम सरकार करने के लिए मना कर दिया, हम लोग इतना घर में भूखे पिया के सब बाल बच्चा रहते हैं, और हमको कौन देखने वाला है? लास्ट 13 वार्ड में कोई देखने वाला नहीं है। 13 वार्ड में यहाँ देखिए छोटे छोटे बच्चे लोग हैं, ये लोग काफी भूख से परेशान है। इन लोगों के यहाँ 2 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला, ये बच्चे लोग हैं। बाबू तुम लोगों को खाना नहीं मिला है? नहीं। कई दिन से नहीं मिला? सरकार राशन नहीं दिया है? ये देखिए ये मासूम बच्चा है जिनके लिए कोई सरकार अभी कुछ नहीं सोचा है। बाकी लोगों को जो माल आता है कोटा के द्वारा, मध्यम के डीलर के द्वारा, उन लोग भी राशन नहीं दे रहा। 4 महीना पहले इन लोगों को कार्ड मिल चुका है लेकिन वो कार्ड पे माल भी नहीं दे रहा। ये स्थिति है यहाँ का, वार्ड नंबर 13 महादलित टोला रामपुर पंचायत में हम खड़े। बाकी यहाँ कुछ लोग और हैं, उनसे जानते हैं वो क्या कह रहे हैं। क्या नाम है चाचा? कला कुमार। कला कुमारी जी, क्या परेशानी आपके साथ? छोटा बच्चा है, 7 बच्चा अग्निमरद है बाहर में, घर में कोई नहीं है, लॉकडाउन लगा दिया है, की खाएगा के रंग रहेगा, कहूँ पर जाना नहीं देता है, पुलिस मरता है, कथी खाएगा, मर्द नहीं है घर में, क्या करके खाएगा? यहाँ देखिए कुछ लोग वैसे हैं कि जिनके पास कार्ड अभी तक नहीं मिला है, ये लोग काफ़ी परेशान हैं, इन लोगों को रहने का घर भी नहीं है। देखिए कि ढंग से गरीबी है, और बाकी देखते हैं सरकार और कानून से हमारी अपील है कि सख्त सख्त इसको हर चीज़ दिया जाए। संतोष जी आपको क्या परेशानी है? राम पंचायत राज रामपुर कोटकट्टी वार्ड नंबर 13 के हैं। 1 साल पहले राशन कार्ड बनाने दिए, अप्लाई किए हैं, अभी तक मिला नहीं है, जिसके कारण बीच में 2 बार आंधी आ चुका, घर उजड़ गया, खाने पीने में दिक्कत, यही परेशानी है। बाकी सरकार के द्वारा जो ये डीलर के माध्यम से जो माल आता है जन वितरण वाला, उस पर क्या कहना है आपको? अभी तक तो नहीं मिला है, 4 साल से कार्ड नहीं मिली है लेकिन मिला नहीं है। अनाज जाते हैं अनाज के लिए, कहता है कि नहीं अभी नहीं आया है आपका अनाज। बाकी देखते हैं आगे सरकार और कानून क्या करते हैं, जल्द से जल्द इसका कदम उठाए। और यहाँ उप मुखिया उमेश कुमार जी है, उनसे बात करते वो क्या कह रहे हैं। अजय उमेश जी क्या कहना है आपका? जी मैं आपके चैनल के माध्यम से रामपुर कोदरकट्टी के पंचायत के लोगों और हमारे देश, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये इतने गरीबी है हमारे यहाँ इस पंचायत में, ये महादलित है,
इनको ना राशन मिल रहा है न इनको 1000 रुपया जो सरकार देने का घोषणा किया वह नहीं मिला है। बोला गैस सिलेंडर में हम लोग 3 महीना फ्री देंगे, लेकिन किसी व्यक्ति को नहीं, हम पूछे हैं सबसे, हमारे पास लोग गया लेकिन अभी तक उन लोगों को गैस का भी पैसा नहीं। और जनधन खाते के बारे में बोला गया कि 500 रुपया प्रत्येक महिला को देंगे, कुछ लोगों को मिला है, बहुत लोगों को नहीं मिला जो इस चीज़ से वंचित। और ये कोरोना का महामारी, पहले तो 21 दिन का लॉकडाउन किया गया सरकार द्वारा, फिर 14 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा किया कि 3 तारीख तक 18 दिन का लॉकडाउन फिर बढ़ाया गया। लोगों में इतना अब बेचैनी है, परेशानी है, इतना लोग घबरा गए हैं, क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, कैसे जीवन चलेगा। आप थोड़ा सा ये कहेंगे, हम आप लोगों चैनल के ये बच्चे सबको देखिए, बदन में कपड़ा नहीं है, ये कितना गरीब लोग हैं, इसका कोई सुनने वाला नहीं है, नहीं कोई बताने वाला है, नहीं इनको काम मिल रहा है, नहीं राशन मिल रहा है, नहीं कुछ मिल रहा है। ये बात प्रशासन को जाना चाहिए, प्रशासन को जांच करके सही लोगों को सरकार का जो भी योजना है उसको दिया जाए, लोगों गरीबों तक मिले। आज सारा लूट खसोट बड़े लोग कर रहे हैं लेकिन गरीब का बात कोई नहीं। आप सभी गरीब देखिए उधर, थोड़ा आप ये कहेंगे, देखिए किसी को रहने के लिए पक्का का मकान नहीं है, ये लोग 3 आज झुग्गी में रह रहे हैं, कल आंधी आ गई, सब इतना परेशान हो गया, टीना उड़ गया, हम क्या कहें, कैसे करें, हम समझ से भी हम भी परे हैं। ठीक यही है, और लोगों का भी कठिनाई चल के देखा जाए। भाईजन क्या नाम हुआ? मेरा नाम अर्जुन पोदार है, वार्ड नंबर 5 रामपुर कगरगट्टी पंचायत। जी जन वितरण पे क्या कहना चाह रहे हैं? वितरण पे यही कहना चाहते हैं कि माल जो मिल रहा है अभी सरकारी माल जो मिल रहा है, पता लगता है कहीं कहीं कि प्रत्येक यूनिट पर 0.5 किलो कटा जा रहा है माल, ये माल बिल्कुल नहीं कटना चाहिए। बाकी बात रहा, जितना भी राशन कार्ड बना है नया उसको माल नहीं मिल रहा है, अभी भुखमरी का बिल्कुल अभी हालात खराब है, भुखमरी से कोई काम धंधा नहीं मिल रहा है, इस पर पुनर्विचार करें सरकार और पदाधिकारी। मेरा नाम फिरोज आलम है। क्या नंबर वार्ड से है? 8 नंबर वार्ड से है। पंचायत रामपुर कोदरकट्टी। वार्ड नंबर 8। तो यहाँ जन वितरण पे आपको क्या कहना है? जन वितरण प्रणाली के माध्यम से अभी अनाज इन लोगों को नहीं मिला, नया राशन कार्ड मिले हुए थे, 4 महीना हो गया है लेकिन 4 महीने से अनाज नहीं मिला है। हम DM सर से बात भी किए थे कल फोन पे, DM सर भी हम लोगों को कोई आश्वासन नहीं दिए कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसके बारे में कुछ नहीं कहे हम लोगों को। जी बाकी ये जानना चाहते हैं कि जनवितरण पाली का जो माल है, जो गरीब लोग यहाँ है, जो कोरोना वायरस के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कोरोना के वायरस से हम लोग तो लॉकडाउन का बहुत अच्छा से पालन कर रहे हैं, सरकार के निर्देश पे चल रहे हैं, लेकिन यहाँ है कि गरीब आदमी है, लोग मजदूर क्लास का आदमी है, लोग कमाने के लिए बाहर न जा रहा है, अभी बहुत परेशानी है लोगों को, खाने पीने का घर में कुछ नहीं है, लोग पूरा परेशान है, इसके बारे में जो है सरकार हम लोगों के तब कोई ध्यान नहीं दे रहा है, हम लोगों के जिला से कुछ राहत नहीं मिला है अभी तक। यहाँ कुछ लोग हैं, काफी लोग हैं यहाँ, उनके हाथ में जो कार्ड है ये लगभग कितना दिन पहले, ये राशन कार्ड, नया राशन कार्ड जो लोग हैं यहाँ पर, इन लोगों को 4 महीना पहले राशन कार्ड मिला लेकिन अभी तक अनाज इन लोगों को नहीं मिला है। हम अभी जो है SDO सर से बात फोन भी किया, SDO सर का नंबर नहीं लगा है कि इसको इसके बारे में कुछ बोलेंगे हम। बाकी यहाँ देखने की बात है, काफ़ी गरीब लोग, काफ़ी जनता है जो कि भूख के कारण, कोरोना वायरस के कारण ये लोग डरे और सहमे लोग हैं, तो ये लोग भूख के कारण काफ़ी परेशान है, जो डीलर के माध्यम से जो माल आता जन वितरण का वो इन लोगों को भी नहीं मिला है। बाकी देखते हैं आगे, बात करते हैं ये चचा से, क्या नाम है चचा आपका? अब्दुल सलाम। अब्दुल सलाम जी, क्या नंबर वार्ड घर हुआ? 7 नंबर वार्ड। पंचायत? पंचायत रामपुर। गाँव? दियागंज। तो आपके हाथ में जो ये कार्ड है, ये कौन सा कार्ड है? राशन कार्ड है। राशन कार्ड है जी, नया कार्ड है ये जी। तो आपको जन वितरण का माल मिला? माल नहीं मिला अभी। गए डीलर के पास तो क्या कहा? डीलर बोला आएगा, नया कार्ड मेरे पे देंगे। कौन है डीलर आपका? डीलर तला हेमरम। तला हेमरम।
तो बाकी ये देखिए कुछ लोग हैं यहाँ, सारे के हाथ में ये कार्ड है जो जनवितरण पालिका माल इनको मिलता है। चार महीना पहले ये कार्ड मिला है, जो कि इन लोगों को माल नहीं मिलता। काफ़ी गरीब लोग हैं, देखिए इन लोगों का ये कहना है कि माल मिले। सरकार और कानून से हमारी ये आज्ञा है कि इन लोगों को जल्द से जल्द माल दिया जाए। काफ़ी ये लोग परेशान हैं। और बाकी यहाँ कुछ लोग हैं उनसे मिलते हैं, महिला लोग हैं उनसे पूछते हैं वो क्या कहें। आपके साथ ये जो कार्ड देख रहे हैं ये कौन सा कार्ड है? राशन कार्ड। राशन मिला आपको? नहीं मिला। क्या कहता है जाते हैं तो? बोलता है ना ऑनलाइन। कितना दिन से नहीं मिला? चार महीना से। ये देखिए इन लोगों को चार महीना से नहीं मिला, काफी परेशानी है इन लोगों के साथ। तो चाची क्या नाम है आपका? नसीरा। कार्ड जो है आपको कितना दिन पहले मिला? चार महीना। तो राशन नहीं मिल रहा? ना। आप लोग को सरकार और कानून से क्या कहना चाहते हैं आप लोग? ये लोग देखिए डरे और शहर में काफ़ी लोग हैं जो कोरोना वायरस के लेके काफ़ी परेशान हैं। तो इन लोगों को घर घर जो अभी तक कुछ नहीं मिला, सरकार और कानून से हमारी यह आज्ञा है, यह आग्रह है कि इन लोगों को जल्द से जल्द राशन मिले और इन लोगों को पूरे लाभ मिले। बाकी यहाँ कुछ लोग और हैं। ये एक भाई साहब है, क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम मोहम्मद अनवारुल है। अनवारुल जी क्या परेशानी है? परेशानी ये है कि आज से पूर्व 5 साल पहले जो मेरा राशन कार्ड खो गया था, उसके बाद ये राशन कार्ड हमको आज तक नहीं मिला। उनके बाद अगले बार भी रिसीविंग मिला था, मुखिया के पास, सरपंच के पास, जो भी जा प्रतिनिधि हम उनके पास गए, अभी तक वो राशन कार्ड हमको नहीं मिला है। दूसरी बात, अभी जो ये हमको वहाँ से ब्लॉक से ये मिला है रिसीविंग, तो इसको नेट पे चेक करवाया था, वहाँ बोला अमान्य, मतलब अभी प्राप्त नहीं हुआ वहाँ पे। लेकिन इसके लिए जो हमारा पंचायत का क्या विकास मित्र होता है, वो मेरा घर पे आया, वेरीफाई करके गया, फिर भी हम नेट पे चेक करवा रहे हैं तो अभी तक मिला नहीं है। जो 5 साल पूर्व और ये 5 साल भीतर 10 साल से हमारे पास में राशन कार्ड नहीं है। देखते हैं सरकार और कानून के लिए क्या हेल्प करते हैं। बाकी और ये क्या नाम है भाई साहब आपका? मोहम्मद इरशाद जी, आपके हाथ में जो ये कार्ड लिए हुए, कौन सा कार्ड है आपका? ये मेरा पुराना कार्ड है, ये जन वितरण वाला जी। तो इनमें क्या परेशानी है आपको? ये हमको 6 महीना से इस कार्ड पे राशन नहीं दे रहा है। देखते हैं सरकार और कानून इस मुद्दे पे क्या करते हैं। बाकी सरकार और कानून से आज्ञा है कि जल्द से जल्द कोई कदम उठाए और इन गरीबों के बारे में